नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में और ओम का नियम क्या है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले हम देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम जो है वो सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक के द्वारा जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया है। वो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बारे में एक संबंध नियम द्वारा व्यक्त किया गया है, जिसे हम ओम के नियम के बारे में जानते हैं। इस ओम के नियम को जो सत्यापित किया जाता है उसके लिए इसमें एक तो फर्स्ट वोल्ट मीटर है को यूज किया जाता है और इसमें रेजिस्टेंस और साथ ही अमीटर और बैटरी को यूज किया जाता है इसको सत्यापित करने के लिए। इसमें देखते हैं हम कि जो रेजिस्टेंस है इसके जो समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है और इस सर्किट के श्रेणी में सॉरी एम्पियर जुड़ा हुआ, एम्पियर मीटर या अमीटर जिसे हम बोलते हैं वो जुड़ा हुआ है और इसमें रेजिस्टेंस और बैटरी जुड़ी हुई है। तो देखते हैं हम आगे ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब जैसे ताप है, लंबाई है या क्षेत्रफल है, ये स्थिर रहे यानी कॉन्स्टेंट रहे तो चालक के सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि इन जो कहने का मतलब है कि अगर इसकी भौतिक अवस्था यानी कि ताप दाब यह अगर स्थिर रहता है तो जो चालक है उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है यानी कि वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, जहां पे V किसको डिनोट करता है, विभवांतर को करता है और I यहाँ पे विद्युत धारा को डिनोट करता है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं आगे V प्रोपोर्शनल टू I को तो ये इसका जो फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे R एक कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब इसके जो हम फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक ट्राइंगल मेथड है जो सबसे इजी मेथड है, जिसमें हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और V यहाँ पे हम लिखते हैं और साथ ही I और R इस तरह से लिखते हैं। अगर हमें इसमें अगर V अगर यानी कि हमें विभवांतर ज्ञात करना होता है, अगर हमें धारा और रेजिस्टेंस दिया हुआ है और हमें विभवांतर ज्ञात करना है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा V इज इक्वल टू आई आर। यानी कि जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, V इक्वल टू आई आर। इसमें सीधा सा हम समझ सकते हैं कि V अगर ऊपर है और इज इक्वल टू आई आर यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। अब साथ ही अगर हमें दो चीजें दी हुई हैं, जैसे कि हमें विभवांतर दिया हुआ है और हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है और हमें विद्युत धारा I ज्ञात करनी है तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा क्या, V इज इक्वल टू V अपॉन आर। यानी कि अगर हम देखते हैं इसको तो हमें I ज्ञात करना है तो यहाँ पे I इज इक्वल टू हम देख सकते हैं कि V अपॉन आर। हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे V अपॉन आर यानी कि हमें याद रखने के लिए हमें क्या है, सबसे इजी तरीका है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हम R की तरफ। यानी कि जब हमें V यानी कि विभवांतर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है और हमें करंट भी दे रखी है एम्पियर में तो हमें ज्ञात करना होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल के अनुसार क्या होगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन में वी अपॉन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये है। अब हम देख चुके हैं कि हम इसके फॉर्मूले कैसे हैं। हमने तीन फॉर्मूले हमने यहाँ पे देखे हैं। सबसे पहला है हमें जब वोल्टेज ज्ञात करना होता है तो वी इज इक्वल टू आई आर, जब हमें धारा ज्ञात करनी होती है तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है I इज इक्वल टू V अपॉन आर, और जब हमें
रेजिस्टेंस ज्ञात करना होता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको घुमा फिरा के कंपटीशन एग्जाम में या फिर आपके जो ट्रेड एग्जाम है उसमें पूछ लिया जाता है कि ओम का नियम जिसमें कि वी विभवांतर और आई धारा है इसके संबंध में जो फॉर्मूला है वो इनमें से कौन सा सही है। तो इस तरह के तीन या तीनों ऑप्शन भी दे सकते हैं या फिर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दे सकता है। तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।